नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको एक नई फील्ड से रूबरू करवाते हैं ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर, अपनी फील्ड चूज कर सकें या फिर अपने अजीज़ों को एक अच्छा मशवरा दे सकें। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज हम जिस फील्ड पर बात करेंगे उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज पर आज हम बात कर रहे हैं और इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए, जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के IHE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। और इस टॉपिक पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, जिनमें से पहले दो एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त हैं। पहले हैं डॉक्टर रेनू गुलाटी और दूसरे हैं डॉक्टर वीनू वाधवा। चलिए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर रेनू गुलाटी जी के पास। मैम, आपकी जुबानी सबसे पहले मैं इस फील्ड को समझना चाहूँगा। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये BSc होम साइंस ऑनर्स और पास कोर्स के अंडर आता है। ये उसकी एक फील्ड है स्पेशलाइजेशन की। जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था तो इसको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक बच्चों को पढ़ते थे। पर जैसे जैसे कोर्सेज बढ़ते चले गए तो अब ये हम प्रीनेटल डेवलपमेंट से लेकर ओल्ड एज तक हम एक ह्यूमन बीइंग को टोटैलिटी में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका नाम अब है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। तो इस सब्जेक्ट में हम हर इंसान के बारे में टोटल उनकी क्या डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, वो पूरा इन डेप्थ पढ़ा जाता है इसमें। तो ये हम साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, सब फील्ड से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम एक इंसान को टोटैलिटी में पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ये अब और भी आगे बढ़ता चला जा रहा है एंड इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए आ रही हैं कि वो इसको इसमें प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बच्चे ले सकते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में। मैम, आपने प्रोग्राम्स के बारे में बताया, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट को प्रोफेशनली पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद करियर किस तरह से बनता है, मतलब किस फील्ड में ये प्रोफेशनल्स काम करते हैं? देखिए, हम कहीं भी काम करें, चाहे हम सोसाइटी में, चाहे आप एक कंपनी में काम करें, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, हमको ह्यूमन बिहेवियर समझने की बहुत ज़रूरत है। हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को टोटली समझें और हर स्टेज पे क्या चेंजेस आ रही हैं अगर हम वो समझेंगे तो हम अब कोई भी प्रोफेशन लें उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे कि हम हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए ये देखा गया कि ये सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या गोल्स हैं डेवलपमेंट के, अगर वो हम समझेंगे तो हम प्रोफेशनली आगे बढ़ सकेंगे। वीनू जी, आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं या इस कोर्स को करते हैं वो किस तरह की नौकरियों में जाते हैं, किस तरह के प्रोफेशनल्स बनते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? जैसा कि हमने अभी समझा कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में हम कंसेप्शन से डेथ तक के लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन को हम कवर कर रहे हैं, तो हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हर फील्ड, हर एज ग्रुप से जुड़ जाती हैं। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स अर्ली चाइल्डहुड के फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, स्कूल्स में भी जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि हमारे बच्चे डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में भी बच्चों को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स जेंडर और चाइल्ड राइट्स
के बारे में भी पढ़ते हैं तो विमेन स्टडीज़ या जेंडर रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खूब मिल जाती हैं। चाइल्ड राइट्स के फील्ड में भी बहुत आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के फील्ड में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज पूरे जब हम लाइफ स्पैन को कवर कर रहे हैं तो हर एज ग्रुप से जुड़कर उस फील्ड से कनेक्टेड सेल्फ जॉब्स भी स्टूडेंट्स अपने लिए डेवलप कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कोई क्रेश खोलना या कोई नर्सरी स्कूल शुरू कर देना, आजकल बच्चों के लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर अवेलेबल हमारे स्टूडेंट्स करवा पाएँ तो दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप स्पेसिफिकली कोई ऐसी फील्ड बता पाएंगे, जैसे कि कुछ पोस्ट हैं उसके लिए सीए ही अप्लाई कर सकता है, कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए डॉक्टर ही अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर ही अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है पीआर में जाना है, उसने पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया हो या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन का ही कोर्स किया हो, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस कोर्स को मांगा जाता हो या फिर स्पेसिफिक यही लोग चाहिए हो? मैं इसमें कहना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री में जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसमें जो भी बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को मांगा जाता है। एनसीईआरटी में जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक पूरा फील्ड है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमारे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया होता है उनके लिए ही ये पोस्ट निकलती हैं। उसके अलावा अगर आप इवन स्कूल्स में जो काउंसलर्स हैं वो भी हमारे बच्चे जा सकते हैं उसमें। एक और जो नई फील्ड निकल कर आ रही है वो है कंटेंट डेवलपमेंट। जितने भी यू नो स्कूल्स हैं वो अपना एक सिलेबस बनाना चाहते हैं, तो हमारे बच्चे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है वो कंटेंट डेवलपर्स बनते हैं। जितने भी जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें ये पोस्ट स्पेशली हमारे बच्चों के लिए निकलती है। एंड ऑल्सो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनिसेफ है, WHO है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चे स्पेशली जो चिल्ड्रन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको कंसीव करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे हैं उनकी जो ट्रेनिंग है हमारे हम सब ने किया हुआ है, और बहुत सारे हमारे बच्चे जो मास्टर्स करते हैं तो वो ट्रेनर्स बनते हैं। CDPO की ट्रेनिंग है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग है, और हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मेनली वेलफेयर की फील्ड में काम कर रहा है। तो वेलफेयर की फील्ड में हमारे बच्चों के लिए ही पोस्ट्स निकलती हैं। स्पेशली कहा जाता है इफ़ यू हैव डन चाइल्ड डेवलपमेंट या इफ़ यू हैव डन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़, तो और बहुत सारी NGOs हैं जो विमेन के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो वो प्रोग्राम ऑफिसर्स जो हैं उनकी जो पोस्ट जब निकलती हैं तो उसमें लिखा जाता है कि अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। मैम, जो जो आपने अभी रास्ते बताए, जो जो आपने फील्ड्स बताई, जो ऑप्शंस बताए, तो उससे ये निकल कर आता है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए फील्ड ये कोर्स मिल अच्छी मिलती। प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से रास्ते खुलते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनीज हैं, देखिए हर कंपनी में आजकल CSR एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक और एरिया है। तो जब हमारे बच्चे ह्यूमन डेवलपमेंट और बिहेवियर के बारे में पढ़कर जाते हैं तो अगर वो HR में MBA करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर्स बन सकते हैं। और जो CSR प्रोग्राम्स हैं हर कंपनी को कुछ, अब ये एक रूल आ गया है कि उनको कम्युनिटी को भी कम्युनिटी में काम करना है, तो CSR के लिए हमारे बच्चे दे बिकम मैनेजर्स, वो प्रोग्राम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फील्ड में जाकर काम करते हैं। तो एक ये प्राइवेट सेक्टर में ये एक बहुत उछाल आया है जिसमें कि हमारे बच्चों को जॉब्स मिलती हैं। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, आजकल जैसे मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ लोग 9 से 9 तक काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, टू डू वर्कशॉप्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, टू हेल्प पीपल हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर बी बेटर इन टर्म्स ऑफ वेलबींग, देयर सेल्फ वेलबींग। एक आखिरी सवाल मैम आपसे ये कि इस वक्त हम IHE में बैठे हैं, ये एक गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन अगर कोई लड़का
इस फील्ड में आना चाहता है, क्या उसके लिए भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं कहीं और? इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उनका उनमें डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे लड़के भी आ सकते हैं। उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के डिप्लोमास हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है MSc इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। तो उसमें अगर कोई भी मेंटल हेल्थ की फील्ड में जाना चाहता है, काउंसलर बनना चाहते हैं, और हमारा कॉलेज सेंटर है, एक्चुअली हम लोग इन्वॉल्व थे जब ये प्रोग्राम डेवलप हुआ था, तो उसमें अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से ये प्रोग्राम करें तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसमें इट इज़ ओपन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक मुख्तसर सा सवाल आपसे, एक बड़ा ही छोटा सा मुझे इस पर जवाब चाहिए कि कोई भी अगर प्रोग्राम हमारा देख रहा है तो एक सवाल उसके जहन में आता है कि सैलरी क्या होगी, पैकेज क्या होगा, तो शुरुआती पैकेज आपको क्या लगता है इस फील्ड से जब बच्चे जाते हैं प्रोफेशन में पढ़ाई करने के बाद, तो कितना पैकेज कितना होता है शुरुआत में, मतलब एवरेज पैकेज आप बता दें, एक अंदाज़ा? शायद एक नंबर देना मुश्किल होगा, बट ये कह सकते हैं कि अगर आप मन लगा के अपने फील्ड में काम करें तो द स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक भी पहुंच सकते हैं। और जैसे कि हर फील्ड में होता है, ग्रेजुअली एक राइज बनता है, उसी तरह यहाँ के लिए भी हम यही बोल सकते हैं मेरे ख्याल कि मन लगा के काम करिए, अपने स्पेशलाइजेशन को और स्पेशलाइज्ड बनाइए, एंड यू कैन रीच हायर सैलरी नंबर्स इवन विद दिस प्रोफेशन। ठीक है, मैम ने बता दिया कि आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनती हैं, तो काफ़ी ऊपर तक, काफ़ी आगे तक आप जा सकते हैं। मैम ने कहा ना, स्काई इज़ द लिमिट। चलिए, इस फील्ड पर हमने बात कर ली, इसके कई एस्पेक्ट्स हमने जान लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमने जान ली, अब हम बात करेंगे कि इस फील्ड में आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ये सवालात हमारे अगले गेस्ट से होंगे, अगले मेहमान जो हैं उनके पास आपको लेकर चलते हैं। चलिए, फील्ड के बारे में तो काफी कुछ आपने जान लिया, अब इस फील्ड में आना है, अगर एंट्री लेनी है, इंटरेस्टेड हैं, तो कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे पास दो और एक्सपर्ट मौजूद हैं। पहली हैं डॉक्टर मीला तुली और दूसरी हैं डॉक्टर भावना नेगी। चलिए मैम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इंटरेस्टेड हैं जो लोग इस फील्ड में काम करने के लिए, उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले हम IHA की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा कोर्स इस फील्ड में आने के लिए अवेलेबल है, किस तरह से एंट्री ली जा सकती है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली ये जो कोर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज़, ये होम साइंस के अंतर्गत आता है। तो होम साइंस जो कोर्स है हमारे देश में अभी तक सिर्फ लड़कियों को ऑफ़र किया जाता है। बहुत अच्छा रहता अगर लड़कों के लिए भी ये कोर्स खोला जाए, क्योंकि द वर्ल्ड इज रियली ओपनिंग। लेकिन मैम, अभी भी रेनू जी ने बताया कि कुछ लड़कों के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इग्नू में कुछ कोर्सेज हैं। जी, सही कहा उन्होंने, पर इग्नू का जो कोर्स है वो केवल एक डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है। अगर आप कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके ऑफलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो होम साइंस जो है वो अभी तक सिर्फ लेडी विमेन को ऑफर किया जाता है, गर्ल्स को ऑफर किया जाता है। तो अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि रखते हैं आप, तो आपको होम साइंस का कोर्स उठाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये बोथ होम साइंस ऑनर्स और होम साइंस पास दोनों कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। वी हैव 7 कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट आर ऑफरिंग दिस कोर्स। IHE में कौन सा कोर्स है और किस तरह से आपकी पढ़ाई का पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? IHE में, दोबारा मैं दोहराऊंगी आपके लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज़ जो है वो होम साइंस ऑनर्स और होम साइंस पास दोनों कोर्सेज IHE पे ऑफर होते हैं, और इसके अंतर्गत आप ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज़ डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और इस डिपार्टमेंट के जो पेपर्स हैं वो आप उठा सकते हैं। जब आप होम साइंस का कोर्स शुरू करते हैं तो पहले 1-1.5 साल, लगभग 3 सेमेस्टर के लिए आप 5 डिसिप्लिन्स होम साइंस के पढ़ेंगे, और आगे जाते जाते आपकी रुचि के अनुसार आप अपनी स्पेशलाइजेशन उठाएंगे।
चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना चाहें या न्यूट्रिशन में आपकी रुचि आती है तो वो आप उठाएंगे, तो उनके पेपर्स आप उठाते जाएंगे। दरअसल यही मैं पूछना चाह रहा था कि स्पेशलाइजेशन जो है वो सेकेंड ईयर में आती है। Yes, ma'am, आपको मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मतलब संदर्भ जोड़ना चाहती हूँ। जैसा डॉक्टर मिला तुली ने कहा है कि अभी होम साइंस के जो कोर्सेज हैं, होम साइंस जो लेबल है उसके अंदर ये जो पांच स्पेशलाइजेशंस हैं जैसा आपको बताया गया है, ये अभी महिलाओं के लिए ओपन है। और जो बात मैडम ने कही कि लड़कों के लिए अगर ये कोर्स ऑफर हो, तो हम यहाँ पे जैसे एजुकेशन पॉलिसी हमारी बदल गई है और उसमें हम जब बात करते हैं बदलाव की किसी भी पॉलिसी लेवल पे या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, तो मुझे लगता है ये बात बहुत ही यहाँ पे मान्य है, वैलिड है कि अगर हम होम साइंस को सिर्फ एक जगह पाटते हुए लड़कियों की बात ना करके पूरे देश में सबको अपॉर्चुनिटी दें और वो जो स्टीरियोटाइप या क्लीशे है या जो एक टैग है जेंडर का कि मतलब घर मतलब औरत या घर मतलब लड़की, तो आजकल क्योंकि हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आजकल हम अल्फा मेल्स की बात कर रहे हैं, आजकल हम एंड्रोगाइनस पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में लगता है क्योंकि हमारी पॉलिसी और हमारा देश आज एक उस मुकाम पर आ गया है जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज तक हमने जो सोचा वो सोच सही है या उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो मैम ने जो लड़की और होम साइंस की बात की, मुझे लगता है हमारे कोर्स में एक तरह का एक्टिविज्म जुनून है, हम जुड़ाव चाहते हैं ज़मीन से, हम कम्युनिटी वर्कर्स के साथ काम करते हैं जैसे रेणु मैम ने आपको पहले बताया, हम जाके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर पर काम करना चाहते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, हम मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं और हम एनजीओस के साथ भी जुड़ के, तो हमारे जो छात्राएं हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके शुरू से इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि एक सेंसिटिविटी बनती है। आई मीन हम बहुत क्लिनिकल लैब बेस्ड वर्क लैब्स हैं हमारे, पर हमारे लैब्स का ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन कंडक्ट बाल विकास में बहुत जुड़ाव है और इस जुड़ाव को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए देश की तरक्की के लिए, बिकॉज हमारे पास मैसिव पॉपुलेशन है और वहाँ पे जहाँ पे हमारे गांव हैं जहाँ पे हमारे बच्चे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो वाली सोच जो बहुत पैसों से चलती है वो नहीं चल सकती। तो मेरे ख्याल से हमारा जो कोर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, संदर्भ है इसका और ये पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है और हमारे पास टीचर्स हैं जिन्होंने इस तरह से काम किया है। जब मार्चेस होते हैं, इंटरनेशनल वेमेन डे आता है, तो हम जाते हैं रोड्स पे, सड़कों पे जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ बात करते हैं। जब कोई ऐसी मूवमेंट आई, जब एक्टिव साइलेंस हुआ, तो हमने जाके बात की, हमने कैंडल मार्च में पार्टिसिपेट किया हमारे बच्चे। सो दीज आर यू नो सर्टन areas which are our specialization in our course also. Ma'am, आपसे मैं जानना चाहूँगा अगर इस फील्ड में कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस होता है क्या या मेरिट बनती है, क्या उसका तरीका क्या है? इस साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया है, तो उस टेस्ट को लेना पड़ता है और उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उस एंट्रेंस में बैठने के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, स्ट्रीम होनी चाहिए? नहीं, दैट एंट्रेंस टेस्ट इज ओपन टू ऑल और होम साइंस में एंट्रेंस के लिए आपको दोनों साइंस के स्ट्रीम के बच्चे और ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम के बच्चे दोनों एडमिशन ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर परसेंटेज? 12th के बाद है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। क्या इस फील्ड में MSc के कोर्सेज भी हैं इंडिया में कहीं और कराए जाते हों? बिल्कुल, या फेमस हों? बिल्कुल, मास्टर लेवल के कोर्सेज भी हैं हमारे कॉलेज में, दो डिपार्टमेंट्स में मास्टर्स लेवल के कोर्सेज चलते हैं और दूसरे कॉलेजेस में भी मास्टर्स लेवल के कोर्सेज चलते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हम PhD भी ऑफर करते हैं, वी गाइड डॉक्टरल स्टूडेंट्स और ईच वन ऑफ अस आर गाइडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, तो वो भी हम करते हैं। भावना जी, आपसे जानना चाहता हूँ IHE के अलावा और कहाँ कहाँ इस फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अगर आप मास्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ की बात करें तो लेडी इरविन कॉलेज में ये कोर्स है, फिर आजकल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे भी कोर्स है जो जामिया में भी चलता है और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी चलता है। कुछ जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेसर मिला तुली, कैन यू यू नो
थ्रो लाइट ऑन दैट। ये मैं बताना चाहूंगी कि जैसे भावना ने कहा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो बाकी यूनिवर्सिटीज में यूजुअली क्या देखा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के एक छोटे से हिस्से को लेके या एक छोटे से फोकल पॉइंट को लेके उस पर कोर्स चलाया गया है। होम साइंस के अंतर्गत जो ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज है, जैसे वीनू और रेनू ने आपसे कहा, वो पूरे लाइफ स्पैन को काम कर को कवर करता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस सच अ यूनिक कोर्स। पूरे लाइफ स्पैन में हर स्टेज पे जो चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को लेके जो ज़रूरतें उठती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो जो हमें हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ये केवल ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्डहुड स्टडीज़ जो होम साइंस के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑफर किया जाता है, जो IHE और एक और कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, लेडी एवन में प्रोवाइड किया जाता है, वो सिर्फ यहाँ होता है। बाकी जो जैसे जामिया में हो या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हो, वो एक ह्यूमन लाइफ स्पैन के एक छोटे से हिस्से को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज चलाते हैं वो। लेकिन भावना जी, आपसे एक ही सवाल, आप बहुत साल से इस कॉलेज के साथ जुड़ी हुई हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि मतलब अपने आप को जज करने के लिए कि मैं इस फील्ड के लिए बनी हूँ या बना हूँ, क्या काबिलियत उसके अंदर पहले से होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें तो वो कोर्स में आने के बाद सीखेगी या सीखेगा, लेकिन पहले से उसके अंदर क्या होना चाहिए जो जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि हाँ वो इस फील्ड के लिए बना हुआ है? देखिए, यहाँ पे जैसे बताया गर्ल्स कॉलेज है, सबसे पहले तो बहुत सारी लड़कियों को अगर आप देखें, वो आती हैं तो बहुत लाइफ में कुछ करने की ज़ील लेके आती हैं, साथ में दूसरे से रिलेट करती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर लेती हैं, जैसे हम एम्पैथी कहते हैं, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उस, हमारे यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं जिसमें हम थिएटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस ऑफ सेल्फ कराते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जिसमें हम सीधा नहीं बताते कि आप में क्या होना चाहिए, पर वो खुद रिफ्लेक्ट करती हैं जब वो असाइनमेंट्स करती हैं कि हमें ये है। और जब बच्चे ये फील्ड्स में जाते हैं, जैसे हम स्लम क्लस्टर्स में ले जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में ले जाते हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी की बात करते हैं और उसके संदर्भ में हम महिलाओं की बात करते हैं, तो जब वो फील्ड से कनेक्ट करती हैं और जाती हैं, लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ आती है कि थियोरी और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है। और इसी दूरी को पाटता हुआ है ये डिपार्टमेंट और इसका कोर्स। जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, वो बंद किताबों में भी है, अगर आप देखें तो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप छोटे शब्दों में कहूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान को समझने की परख उस पर्सनालिटी में बिल्कुल होनी चाहिए, रिश्तों को समझने और धीरे धीरे समझते हैं। आई मीन आई वुड लिटिल कंटेस्ट द आइडिया विच यू आर सेइंग कि हम वी आर नॉट बॉर्न बट वी आर आल्सो बीइंग सोशलाइज्ड टू बी। तो हमारा कॉलेज इस तरह से काम करता है कि हम बच्चों से या लड़कियों से वो बात करें। कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सेल्फी ड्रॉन सोसाइटी है हम, बट देर आर नो सेल्फीज एक्चुअली। सो हम बच्चों में इस तरह की एक फीलिंग्स या उनका विकास करते हैं चीज़ों का, जिससे उनको ये लगे कि ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर आप पेशे से एक्स वाई जी हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपको पता है क्या सवाल नहीं पूछना। तो जो एथिकल डेवलपमेंट है वो हमारे कोर्सेज में हम करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, बच्चों को हम पहले ये मौका देते हैं कि वो खुद से जुड़े और खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करें, खुद को जानें। जो मुझे लगता है 12 साल जब वो स्कूल में होते हैं उसमें उनको मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि स्कूल में प्रेशर बहुत होता है एग्ज़ाम्स, एग्जामिनेशंस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, एंट्रेंस को लेके, आगे जाके क्या बनना है उसको लेके। पर कॉलेज में आके हमारे डिपार्टमेंट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, पहले वो खुद से जुड़ते हैं और धीरे धीरे उसके बाद बाहर निकल के कम्युनिटी से जुड़ते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं, कम्युनिटी से जुड़ते हैं, और वहाँ से ही ये जो जील भावना जिसकी बात कर रही थी, वो जो जील पैदा होता है कि हम भी केवल किताबों में हमारी पढ़ाई सीमित नहीं रहती है, पर वो जो हम पढ़ रहे हैं वो एक रियल लाइफ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और उसमें हम रोज़ मौके ढूंढते हैं जो हमने पढ़ा है
अपनी रियल लाइफ में उसके एग्जांपल्स ढूंढते हैं और उसको अनफोल्ड करते हुए नज़र आता है हमें. तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ आवर कोर्स, दैट स्टूडेंट्स लर्न टू लिंक क्लासरूम टीचिंग विद देयर एवरीडे लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स इट सो एक्साइटिंग फॉर देम. ये वाकई बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है जब अपनी ज़िंदगी को, डेली रूटीन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं उसे आप अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ पाते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए. मैं मीलू जी का, भावना जी का, रेनू गुलाटी जी का और वीनू जी का सभी का शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहूँगा. और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा. पैकेज के ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की फील्ड क्या है, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करके हमने आपको ये भी बताया कि ये फील्ड क्या है, क्या प्रोफेशन है, किस तरह की जॉब्स लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ऑप्शंस खुलते हैं. और फिर उसके बाद हमने आपको बारीकी से ये भी बताया कि इस फील्ड में अगर आना है तो कहाँ कहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे एडमिशन लिया जा सकता है. और अगर दिल्ली से बाहर आपको यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे. लेकिन दिल्ली में IHE और लेडी इरविन कॉलेज का ऑप्शन आपके पास अच्छा खुला हुआ है. तो अगर आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर में, लोगों को समझने की एक बात आपके अंदर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में है, या फिर आपको लोगों से बात करना, उनसे मिलना जुलना, या फिर उनकी भावनाओं को खुद फील करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है फील्ड आपके लिए बनी हुई है, आपको इस फील्ड में आना चाहिए. तो अभी के लिए इस सेगमेंट में इतना ही. अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जॉब के ऑप्शंस फिलहाल कहाँ कहाँ खुले हुए हैं और इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज के लिए कहाँ कहाँ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड और एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज. समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता. देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है. करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं. याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022. प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता.